अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सज्जाद अली। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स इन्फो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में, जहाँ पर जो है सबसे पहले जो आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप जब इसको ओपन करते हैं क्रोम वेब स्टोर को, तो आपको यहाँ पर मिलता है एक्सटेंशन और थीम का बटन। ये दो टैब जो है आपको यहाँ पर शो होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगराइज है, यानी ऑल है, इसमें रेकमेंडेड है, इस एक्सेसिबिलिटी है, ब्लॉगिंग है, डेवलपिंग डेवलपर जो है जो टूल्स होते हैं वो है इसमें, और उसके बारे में जो है एक्सटेंशन है, और न्यूज़ एंड वेदर की, फोटो प्रोडक्टरी और सर्च टूल है, शॉपिंग, सोशल एंड कम्युनिकेशन एंड स्पोर्ट्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पर थीम के बारे में, तो थीम जो है वो आपके सामने यहाँ पर जो है थीम आ चुकी हैं। ये देखें जो मोटिव जो इसका जो है नेटिव अमेरिकन असिस्टेंस है, और ब्लैक आर्टिस्ट है, कलेक्शंस इसमें मुख्तलिफ कलेक्शंस आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चले हम बात करते हैं एक ऐसी एक्सटेंशन के बारे में जिसके ज़रिए से जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इसको जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है कि 1 मिलियन यूज़र तक जो है इसको डाउनलोड कर चुके हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसकी अगर स्टार्स के बारे में बात करें तो इसका स्टार जो है 5 स्टार प्लस इसका जो है होने वाला है, तकरीबन करीब है। इसमें कुछ फीचर जो है वो आपको बाय करना पड़ते हैं, कुछ फीचर जो है वो फ्री में है, यानी बहुत कम फीचर जो है जो कि बाय करना पड़ता है इसमें, बाकी के फीचर बिल्कुल फ्री हैं इसमें। आप इसको जो है कैप्चर कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, इसको ब्लर कर सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इसमें जो है, और उसको जो है आप जिसको शेयर करना चाहते हो या सेव करना चाहते हो या कहीं पर अपलोड करना चाहते हो तो वो आप इसको कर सकते हैं। और इसमें जो है वाटरमार्क भी जो है आप अपना यूज़ कर सकते हैं, अगर जब आपने इसको जो है कोई भी स्क्रीनशॉट ले लिया है उस पर अगर आप अपना वाटरमार्क या ब्रांडिंग लगाना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। और ये जो है आपको वेब, आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड और विंडोज़ फ़ोन में भी दस्तयाब है। तो उसके बारे में यहाँ पर नीचे है कि यूज्ड बाय सेवरल मिलियन यूज़र ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसमें जो है आपका है कि स्क्रीन कैप्चर जो है इसका आप पूरे अपने डेस्कटॉप का जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको किसी भी साइज़ में जो है आप उसको सेव कर सकते हैं, यानी किसी भी साइज़ में अगर आप कोई भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं या कुछ और इमेज इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। और इसमें जो है जो सबसे ज़बरदस्त फीचर जो मुझे लगा है वो यही है कि आप इसमें जो है जब रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को, तो उसमें जो है आप जब स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करेंगे आपका जो है वेबकैम भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। आप उस जो आपने पार्ट रिकॉर्ड किया है आप उसको ट्रिम या क्रॉप भी कर सकते हैं इसमें। और इसमें यह भी है कि आपने जो भी स्क्रीनशॉट ले लिया है उसका आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह भी उसमें जो है टेक्स्ट का जो है चेंज कर सकते हैं, यानी जो भी आप इसमें फोटो लेंगे वो कलरफुल और मेमोरेबल फोटो जो है वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जो है एक छोटा सा वीडियो जो है आप उसको जैसे कि शॉर्ट वीडियो होते हैं अगर आप उसको जो है गिफ और MP4 फाइल में अगर भी कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। और इसमें जो है कैप्चर स्क्रीनशॉट है, उसके बाद रिकॉर्ड वीडियो के बारे में यहाँ पर जो है मुकम्मल तफसील से लिखा हुआ है कि आप अगर आप कोई भी पेज जो है फुल जो उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं या आप उस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, पूरी स्क्रीन में जो भी पार्ट चाहिए आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें जो है आप ले सकते हैं। और जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका तो उसके बाद जो है आप इसको अगर स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करके भी जो है आप उसका जो है स्क्रीनशॉट मुकम्मल पेज का जो आप वेब जो भी पेज यूज़ कर रहे हैं उसका मुकम्मल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आसानी से, यानी जैसे ही आप उसको उसके स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वहीं पर आप जो है उसको
एडिट कर सकते हैं उसी वेब पेज के अंदर ही जो है आपको ये मुकम्मल सहूलत दस्तियाब है। आप उसका अगर ब्लैंक पेज बना के वहाँ पर भी कोई ड्रॉस जो है क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। और इसमें जो है रिकॉर्ड वीडियो है स्क्रीनशॉट का तो आपको मिलता है, इसमें स्क्रीन कास्ट रिकॉर्ड इन वीडियो रिकॉर्डर जो है वो भी है, रिकॉर्ड वीडियो फ्रॉम योर स्क्रीन, आपकी मुकम्मल जो है स्क्रीन उसकी आपका जो स्क्रीन है मुकम्मल उसका भी जो है आप स्क्रीन जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। या आप अगर कोई और प्लेटफॉर्म जो है अगर उसका लेना चाहते हैं उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रोग्राम का जो है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। यानी जब आप इसका कोई भी स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो वहीं पर जो है आप इसका वेबकैम फीचर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको जो है आप रिकॉर्ड करके अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जो है आप अपलोड कर सकते हैं या उसको सेव कर सकते हैं या किसी को सेंड कर सकते हैं। और इसमें कुछ फीचर जो है वीडियो में अगर बात करें तो कुछ फीचर जो है वो आपको बाय करना पड़ेंगे, जैसे कि जो है आपको अगर वीडियो में वाटरमार्क है अगर खुद का वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम बाय करना पड़ेगा। वेब टू MP4 करना है, गिफ फाइल बनानी है तो भी जो है आपको प्रीमियम बाय करना पड़ेगा। अगर वीडियो को क्रॉप करना है या उसको जो है पब्लिश करना है यूट्यूब पर एज इट इज तो तब यहीं इसी प्लेटफॉर्म से तो तब भी जो है आपको यहां से इसका प्रीमियम वर्जन जो है वो बाय करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है ज़बरदस्त ये है कि आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो आप अपने सिस्टम में भी जो है उसको सेव कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको प्रीमियम बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिम करना है वीडियो को या उसको अपलोड करना है अपनी गूगल ड्राइव में या ड्रॉप बॉक्स में तब जो है आपको ये प्रीमियम बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो इसमें और इसमें जो है एडिट आप स्क्रीन आपके जो स्क्रीनशॉट है उसको अगर एडिट करना है उसमें कुछ ग्राफिक को ऐड करना है उसमें से कुछ जो है टेक्स्ट या बॉक्स या रिसाइज या क्रॉप या एरो या स्टिकर या हाईलाइटेड ब्लू और ब्लर और जो हाइट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ यानी इसमें कुछ फीचर जो है 100 में से 20% जो है फीचर जो है इसका आपको बाय करना पड़ेंगे, बाकी के आप जो है एज इट इज आप यूज कर सकते हैं। इसको आपने जो यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करना है और ये चेकिंग करेगा, चेकिंग करने के बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर आएगा कि एडिंग टू क्रोम जो इसकी जो है CRX फाइल होगी वो डाउनलोड होगी और बाद में जब ये अपलोड होगा जब आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ये जो ऐड हो जाएगा एक्सटेंशंस आपके सिस्टम में तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इसका विजार्ड पेज जो है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर आ गया है कि ये आपके एक्सटेंशंस में यहाँ पर एक्सटेंशन होती हैं यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद जो है अगर आप इसमें साइन अप करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ इसमें जो है आप प्लेटफॉर्म यूज़ करके इसको साइन अप कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव है, एप्पल है, फेसबुक वगैरह या और ईमेल्स जो है वो आप इसमें जो है इसको सब जो इसको लॉगिन कर सकते हैं, इसका लॉगिन पेज है और इसको सब्सक्राइब और उसकी जो अदर अपडेट्स है वो इसकी वो आप यहां से आसानी से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।